हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका का जो टूर है इंडिया का, यानी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड T20 मैच की बात करें गाइस इसके टॉस की। तो टॉस होगा 6:30 पे। इस वीडियो में गाइस आपको काफ़ी सारी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो बिल्कुल वीडियो देखिएगा, बिकॉज जो मेरे कुछ की पॉइंट्स रहते हैं वो आपके ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। वेन्यू की बात करें तो गाइस बारसबारा क्रिकेट स्टेडियम रहेगा गुवाहाटी में। हेड टू हेड की बात करें लास्ट 5 मैचेस में से जो हुए हैं 5 साल में, तो इंडिया 6 बार जीता है, यहाँ से साउथ अफ्रीका 4 बार जीता है। इस वेन्यू के ऊपर बात करें तो इंडिया ने एक मैच खेला था यहाँ पर, वो हार गए थे, और यहाँ से साउथ अफ्रीका ने कभी भी इस वेन्यू पे नहीं खेला है। लास्ट मैच का इस वेन्यू पे कब हुआ था, 2017 में हुआ था, ऑलमोस्ट 5 साल पहले, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का। जो टीम टॉस जीती थी उसने बॉलिंग ली थी, यानी इंडिया ने पहले बैटिंग की थी इस वेन्यू पे। उस मैच में 118 पे ऑल आउट हो गई थी इंडिया। वहीं जो चेस कर रही थी यहाँ पर टीम, 122 दो विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया था। तो पहली पारी में हमने इसमें क्या देखा था, लेफ्ट आर्म पेसर्स को 4 विकेट मिले थे, राइट आर्म पेसर्स को 3 विकेट मिले थे और लेग स्पिनर को 2 विकेट मिले थे। वहीं दूसरी पारी में राइट आर्म पेसर्स को 2 विकेट मिले थे। तो इन शॉर्ट हमने देखा उस मैच में, ये वाले मैच में जो लास्ट मैच यहाँ पर हुआ था, 9 विकेट मिले थे पेसर्स को, 2 विकेट मिले थे स्पिनर्स को। ये गाइस हुआ था लास्ट मैच में, तो पेसर्स ज़्यादा आगे थे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट क्या है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैच के 1 घंटा पहले ही पता चल जाएगी। बात करते हैं गाइस हेड टू हेड जब दोनों टीमें खेलती हैं आपस में तो कैसी स्कोरिंग रहती है। एवरेज स्कोर दोनों टीमों का इंडिया की तरफ से 153 रहा है, साउथ अफ्रीका की तरफ से एवरेज स्कोर 136 रहा है। हाई स्कोर बात करें तो इंडिया ने 211 दिया था और साउथ अफ्रीका ने 212 दिया था। स्क्वाड्स की बात कर लेते हैं, स्क्वाड आप अपने सामने देख सकते हो, बिकॉज सेकंड मैच है तो मैं बार बार पढ़ के बताऊंगा नहीं। यहाँ से कहीं साउथ अफ्रीका का भी स्क्वाड देख सकते हो। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ओपन करेंगे KL राहुल के साथ, विराट कोहली, सूर्य कुमार, श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, भुवी, जसप्रीत, यहाँ से चहल और हर्षर पटेल। ये गाइस प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है, कोई फाइनल नहीं है, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा बिलीव ना करें। क्विंटिन डिकॉक साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपन करेंगे टिम्बा बोमा के साथ, रीजा हेंड्रिक्स, माक्रम, मिलर, ट्रिस्टन स्टव, पार्नेल, रबाडा, नॉर्टजे या तो लिगडी कोई एक खेलेगा या दोनों भी खेल सकते हैं, शमशी महाराज, ये कुछ ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है। फिर यहाँ से ट्रिस्टन स्टव को आउट होना पड़ेगा। बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो कि है लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैच जो हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, उसके हेड टू हेड स्पेशल प्लेयर्स की। एक विकेट किसी ने लिया, एक रन किया, 2 रन किए, तो वो तो आपको हर कोई बताएगा। मैं आपको स्पेशल प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है, जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। पहले ये देखो कि इंडिया के प्लेयर्स ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या किया है। श्रेयस अय्यर ने पहली पारी में 36 किया, फिर श्रेयस अय्यर ने पहली पारी में 40 किया, भुवी ने दूसरी पारी में 1 विकेट निकाला और भुवी ने ही दूसरी पारी में 4 विकेट निकाले हैं, अक्षर पटेल ने दूसरी पारी में 1 विकेट निकाला, फिर अक्षर पटेल ने 4 विकेट निकाले दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, चहल ने 3 विकेट निकाले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फिर 2 विकेट निकाले, अक्षर पटेल ने 1 विकेट निकाला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, KL राहुल ने 51 रन किए हैं दूसरी पारी में, सूर्य कुमार ने 50 रन किए हैं दूसरी पारी में, DK ने पहली पारी में 55 रन किए हैं, हार्दिक ने 46 किया पहली पारी में, हरदीप सिंह ने 3 विकेट निकाले पहली पारी में और दीपक चहर ने 2 विकेट निकाले पहली पारी में। बात करें साउथ अफ्रीका की प्लेयर्स की तो इंडिया के अगेंस्ट कैसा करते हैं हेड टू हेड में, लुंगडी निंगडी ने 2 विकेट निकाले पहली पारी में, बाउमा ने गाइस 35 किया दूसरी पारी में, रीजा हेंड्रिक्स ने 23 किया दूसरी पारी में, डन पिटोरियस ने पहली पारी में 3 बार खेला 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट निकाला है, वेन पाल ने पहली पारी में 1 विकेट निकाला है, डेविड मिलर ने 64 रन किए हैं दूसरी पारी में, माक्रम ने 25 किया पहली पारी में, नॉर्टजे का परफॉर्मेंस देखो 2 विकेट पहली पारी में, फिर 1 विकेट पहली पारी में, फिर 1 विकेट दूसरी पारी में, रबाडा ने 1 विकेट निकाला दूसरी पारी में, केशव महाराज ने लगातार पहली पारी में 3 मैच में 1-1 विकेट निकाला इंडिया के अगेंस्ट, लास्ट में 41 रन भी किए थे, इसलिए हम महाराज को कभी भी अपनी टीम से छोड़ते नहीं हैं। मैंने तो टेस्ट में भी महाराज को लिया था, मैं महाराज को छोड़ ही नहीं सकता टीम से, इतनी यार कमाल का प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है कभी भी, बिकॉज उसको थोड़ी बहुत बैटिंग भी आती है। बात कर लेते हैं इस वेन्यू के ऊपर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ से आप देखो रोहित शर्मा ने इस वेन्यू पे सिर्फ 8 रन किया, विराट कोहली 0 पे गए थे जब लास्ट पारी आए थे यहाँ पर 2017 में, हार्दिक पांड्या ने उस मैच में 25 किया था, भुवी ने 1 विकेट निकाला था, बुमराह ने 1 विकेट निकाला था, चहल विकेटलेस गए थे। तो ये गाइस इंडिया के हमारे कुछ प्लेयर्स हैं आज के स्क्वाड में जिन्होंने यहाँ पर खेला है, तो उनका परफॉर्मेंस है।
बात करते हैं इंडिया के अंदर, मतलब साउथ अफ्रीका ने तो खेला नहीं है इस वेन्यू के ऊपर। तो जो इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स हैं जो अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल रबाडा हो गए, वेन पानेल हो गए, एडेन माक्रम हो गए, ये गाइस दो तीन प्लेयर ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। बात करते हैं गाइस जहाँ से प्लेयर बैटल की, तो देखो लास्ट मैच भी आपने देखा होगा। हाँ, एक बार हम लास्ट मैच का स्कोर कार्ड खोल लेते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो, प्लेयर बैटल की बात करें, हालांकि मैं इतना मानता नहीं हूँ इसमें, लेकिन फिर भी एक 10 में से आप 2 बार कह सकते हो, 3 बार कह सकते हो कि प्लेयर बैटल आपके काम में आ सकता है। तो लास्ट मैच क्या हुआ था, हमने देखा था कोहली को नॉट जे ने आउट किया था, एंड्रेट नॉट जे ने, और यहाँ से रोहित को रबाडा ने ही आउट किया था। मतलब एक बार तो ये लोग पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार और किया था लास्ट मैच में। तो बाकी प्लेयर्स का बात करें, यहाँ से आप अपने सामने देख सकते हो, मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। डीके रबाडा के अगेंस्ट 28 बॉल 22 रन दे के 4 बार आउट कर चुके हैं रबाडा। लिंगडी 15 बॉल दे के 27 रन दे के 1 विकेट ले चुके हैं। ड्वेन प्रिटोरियस 22 बॉल 56 रन 1 बार आउट कर चुके हैं डीके को। कोहली की बात करें, रबाडा अब यहाँ से 4 बार है, रबाडा 30 बॉल में 35 रन देके 4 बार आउट कर चुके हैं कोहली को। नॉट जे 18 बॉल 15 रन 2 बार आउट कर चुके हैं। तबरेज शमसी 21 बॉल 28 रन 1 बार आउट कर चुके हैं कोहली को। और यहाँ से प्रिटोरियस अभी तक आउट नहीं करा है, 12 बॉल में 19 रन इन्होंने दिए थे 2 ओवर डाल के। केएल राहुल की बात करें, रबाडा 27 बॉल में 30 रन देके 3 बार राहुल को आउट कर चुके हैं। नॉट जे 8 बॉल में 4 रन देके 2 बार आउट कर चुके हैं, ये तो मैक्स स्ट्रगल हो गया। ड्वेन प्रिटोरियस 1 बॉल 0 रन 1 विकेट ले चुके हैं। बात करें यहाँ से सूर्य कुमार की, सूर्य कुमार का स्ट्रगल थोड़ा सा रबाडा के सामने रहा है, लेकिन रन दे के अगर आपने स्ट्रगल किया, मतलब किसी भी बॉलर का मेन मकसद तो विकेट लेना ही होता है ना, तो अगर आप रन बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 39 बॉल में 55 रन दे के 3 बार आउट किया है। नॉट जे ने 13 बॉल में 18 रन दे के 1 बार आउट किया है। पंत का स्ट्रगल महाराज के अगेंस्ट 8 बॉल में सिर्फ 6 रन और 2 बार आउट किया है। रोहित का यहाँ से नॉट जे के अगेंस्ट 22 बॉल 32 रन 2 बार आउट किया है। रबाडा के अगेंस्ट ये दूसरी बार हो गया था लास्ट मैच का मिला लें तो, 2 बार आउट कर चुके हैं। डीकॉक की बात करें, डीकॉक अगेंस्ट चहल अटकते हैं 28 बॉल 32 रन 4 विकेट। अश्विन के अगेंस्ट अटकते हैं 75 बॉल 84 रन 4 विकेट। चहर के अगेंस्ट 93 बॉल 123 रन 3 विकेट, ये तो काफ़ी अच्छे रन बना लिए थे, लेकिन फिर भी अक्षर के अगेंस्ट 41 बॉल 54 रन 2 विकेट। ड्वेन प्रिटोरियस अगेंस्ट हर्षल पटेल 10 बॉल 13 रन 2 बार आउट। चहल के अगेंस्ट 10 बॉल 14 रन 1 बार आउट। हेनरिच क्लासिन चहल के अगेंस्ट 37 बॉल 83 रन 2 बार आउट। हर्षल पटेल 16 बॉल 16 रन 1 विकेट ले चुके हैं। अक्षर 21 बॉल में 34 रन पिटे हैं, तो क्लासिन का विकेट नहीं लिया है। बात करें यहाँ से मिलर की, मिलर अगेंस्ट चहल सही किया है। अक्षर पटेल 39 बॉल 56 रन 2 बार आउट। अश्विन के अगेंस्ट 28 बॉल 30 रन 1 बार आउट। बुमराह के अगेंस्ट भी ठीक ही किया है, विकेट नहीं दिया अभी तक। रीजा हेंड्रिक्स एक्स चहल सॉरी हर्षल पटेल 3 बॉल 7 रन 1 बार आउट। चहर के अगेंस्ट 16 बॉल 15 रन 1 बार आउट। बुमराह के अगेंस्ट चहल के अगेंस्ट कोई स्ट्रगल नहीं है। एडेन माक्रम की बात करें, अश्विन के अगेंस्ट भी कोई स्ट्रगल नहीं है, मतलब एडेन माक्रम का तो किसी के अगेंस्ट कोई स्ट्रगल है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन लास्ट मैच, चलो एक मैच से तो हम जज नहीं कर सकते। बात करते हैं इस यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको आप देखिएगा, वेन्यू परफॉर्मेंस प्लेयर का ध्यान रखिएगा। और देखो इंडिया की एक आपको बात बताऊँ मैं, कोई भी मैच हो इंडिया का भाई, टॉप ऑर्डर, ठीक है टॉप ऑर्डर तो अब ऐसा हो गया है टोटल हिट और मिस टाइप का अपना, ये जो 3 है तो भाई टीम की जिम्मेदारी किसके कंधे पे आती है पूरी। यहाँ से सूर्या हो गए, ठीक है हार्दिक तो रेस्ट पे हो गए, अदरवाइज सूर्या है, ठीक है यही ऐसे प्लेयर्स हैं, सूर्या हो गया और यहाँ से शेयर से ये खेलते हैं तो वो डीके हो गया, तो यही प्लेयर्स पे पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। टॉप ऑर्डर कैसा है, हिट मिस। जब आप उम्मीद करोगे अरे विराट कोहली तो अब वापसी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो वहीं पर विराट कोहली आपको पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर देंगे, ठीक है। किसी दिन अगर आप रोहित को पैक कर लो अपनी टीम में तो वहाँ पर आपको रोहित भी डिसअपॉइंट कर देंगे, तो यही सब होता है। इसलिए आप जो है थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे फोकस करें इंडिया के, और जो है अपने कैप्टन वाइस कैप्टन उनमें से चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका कोई अंडरडॉग्स टीम है नहीं। जाहिर सी बात है विकेट्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। इंडिया पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पर इस वेन्यू पे तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर चुकी है, एक बार 118 पे कोलैप्स हो गई थी, बाकी जैसा भी हो
आज के मैच में देखेंगे। ये सेक्शन आप ध्यान रखिएगा, इस पर फोकस करिएगा, और जो हेड टू हेड स्पेशल्स हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड स्पेशल्स का इस 9 out of 10 times चलते ही चलते हैं, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस मैच से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करके पूछ सकते हो।